देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी करने के लिए जिम्मेदार मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ अब केंद्र ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मौलाना के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, तभी से मौलाना फरार है केंद्र में। अब मौलाना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगा दी है। इसके अलावा गायब हुए 2000 जमातियों के खिलाफ भी सरकार द्वारा लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात मरकज में हजारों विदेशी जमातियों को इकट्ठा किया गया था। जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद का इस दौरान एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने जमातियों को जमा होने के लिए भड़काया था। इन जमातियों में विदेश से आए सैकड़ों जमाती भी शामिल थे। मरकज में हजारों जमातियों की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हजारों जमातियों को सख्ती से बाहर निकाला था। इन जमातियों की जांच कराने पर सैकड़ों में कोरोना संक्रमण का खुलासा हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तारी के डर से मौलाना फरार हो गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस द्वारा मौलाना के घर पर 2 बार शोकाज नोटिस भी भेजा गया, जिसमें से एक का जवाब सामने आया। हालांकि साद के खुद क्वारंटाइन होने की बात भी सामने आई। केंद्र और राज्य सरकारों की लगातार अपील के बावजूद भी अब तक हजारों जमाती सामने नहीं आए हैं। इसके बाद केंद्र ने सख्ती दिखाते हुए मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगा दी और सभी 2000 जमातियों को लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।